सब्सक्राइब कीजिए टेकिरा फॉर यू को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ अलग अलग तरह की टेक न्यूज, रूमर्स और लीक्स वगैरह। तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन ठीक इस वीडियो के नीचे आपको ऐसा कैसे ही देखने को मिल जाएगा, उसको दबाने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं उसमें डेरा, आप सभी का स्वागत है टेकिरा फॉर यू हिंदी टेक न्यूज में। जो पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो है OnePlus कहले या फिर हम कहले Qualcomm Snapdragon 855 के अपकमिंग मॉडल को लेके, यानी कि जो दोस्तों बेसिकली जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है वो है अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन जो कि आने वाला है OnePlus की तरफ से 2019 के अंदर। ऑब्वियसली बात है ये अपना फोन ईयर बाय ईयर लॉन्च करते रहते हैं, यानी कि OnePlus हर साल अपना फ्लैगशिप फोन लॉन्च करती है और उसके साथ ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है आपको देखने को मिल जाए Snapdragon का 855 का प्रोसेसर जो कि होता है वर्ल्ड का पहला 855 प्रोसेसर आपको OnePlus के नए अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिल जाए। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कैसा क्या यह होता है। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आ रही है वो है इन स्क्रीन कैमरा वाले स्मार्टफोन को लेके जो कि जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा Huawei यानी कि Honor की तरफ से। तो ये स्मार्टफोन व्यू 20 नाम से हो सकता है लॉन्च, वो भी पेरिस फ्रांस के अंदर, ऐसे कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। और इसकी लॉन्च डेट का अभी कंफर्म तो नहीं है मगर जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि 22 जनवरी को ये लॉन्च हो जाएगा यानी कि नेक्स्ट ईयर। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है ओप्पो के कुछ स्मार्टफोन को लेकर जो कि ओप्पो K1 और ओप्पो A7X जो कि नए कलर वेरियंट्स के साथ लॉन्च कर दिया गया। रही बात इनकी प्राइसिंग वगैरह की तो ओप्पो K1 की 4GB मॉडल प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज वाले की हो सकती है लगभग 16,500 रुपए के आसपास। इसी के साथ A7X की कुछ जो भी कलर इनका वेरियंट आने वाला है उसके साथ हो सकती है इसकी प्राइसिंग वगैरह। स्टोरेज वेरिएंट अगर हम देखें 128GB और रैम वगैरह देखें तो 4GB, तो इसकी लगभग कीमत हो सकती है 20,600 रुपए के आसपास। इसी के साथ इन फोन में आपको जो ओप्पो का K1 है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा 6.4 इंच का FHD+ डिस्प्ले, एड्रेनो 512 का GPU वगैरह और जो आजकल जो नॉर्मल स्क्रीन रेशियो वगैरह चल रहा है काफी बड़े डिस्प्ले वाला वैसा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इसमें आपको 3D ग्लास वगैरह भी देखने को मिल जाता है, इस फोन में 3D ग्लास का यूज वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको ड्यूअल कैमरा का सेटअप वगैरह देखने को मिल जाता है। इसी के साथ A7X की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6.3 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आपको इसमें डिस्प्ले मिलेगा। इसी के साथ इसमें भी आपको वही ड्यूअल रियर कैमरा वगैरह का सेटअप देखने को मिल जाएगा और रैम और स्टोरेज वेरिएंट तो मैंने आपको बता ही दिए। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है गूगल पिक्सल 3 को लेकर निकल के आ रही है जिसका कि कुछ रिफरल प्रोग्राम वगैरह इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया गया है जिसमें कि आपको शायद से कुछ डिस्काउंट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो इसकी आप डिटेल नेट पर सर्च करके या फिर पूरी जो टर्म्स कंडीशन जो कुछ भी है उसको आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये फोन पसंद है या फिर इसके बारे में और भी कुछ जानना है तो आप इसे बारे में नेट पर सर्च कर सकते हैं, इवन गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है iOS 12.1.1 कह ले या फिर macOS Mojave 10.14.2 और tvOS 12.1.1 का कुछ रोल आउट वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा एप्पल की तरफ से जल्दी। इसी के साथ फेस टाइम अपडेट और ई सिम सपोर्ट वगैरह का भी आपको जल्दी अपडेट वगैरह जो भी एप्पल की तरफ से आपको जल्दी जो कुछ ये जो मैंने आपको बताया उन सबका आपको अपडेट वगैरह देखने को मिल जाएगा क्योंकि ऐसा कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं कि इसका अपडेट वगैरह जो कुछ भी है रोल आउट करना शुरू कर दिया है एप्पल ने। तो ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जो कि मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ जो नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो है Asus ZenFone Max M2 की और इसी के साथ Max Pro M2 की। तो ये दोनों ही स्मार्टफोन जल्दी होने वाले हैं लॉन्च क्योंकि इसकी कुछ लीक्स और रूमर्स वगैरह सामने निकल के आ गई है और रूमर्स और लीक्स जो निकल के आ रही है वो काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स है। इसी के साथ अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो हो सकती है इसकी प्राइसिंग आपको देखने को मिल जाए इंडिया के अंदर 13,800 रुपए के आसपास M2 की और M2 जो प्रो है यानी कि प्रो M2 जो मॉडल है मैक्स ZenFone Max का उसकी प्राइसिंग हो सकती है लगभग 19,100 रुपए के आसपास यानी कि लगभग 20,000 के आसपास ही पहुंच गई है। इसी के साथ अगर हम इसके टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो Snapdragon का 632 M2 में आपको देखने को मिल सकता है 3GB रैम, 32GB के इंटरनल स्टोरेज और इसी के साथ ड्यूअल रियर कैमरा वगैरह का सेटअप। तो इस तरीके से हो सकता है कुछ ये स्मार्टफोन। इसी के साथ इसके जो बड़ा वेरियंट है यानी कि प्रो M2 उसमें आपको हो सकता है देखने को मिल जाए 660 प्रोसेसर, 4GB की रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज। इस तरीके से कुछ हो सकता है ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाए इसके साथ ड्यूअल रियर कैमरा वगैरह का सेटअप आपको देखने को मिले। इसी के साथ नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो वो है नोकिया के 8.1 स्मार्टफोन के बारे में जिसमें कि आपको देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 710 प्रोसेसर यानी कि स्नैपड्रैगन 710। और इसी के साथ अगर हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इंडिया में इसकी प्राइसिंग हो सकती है 31,900 रुपीज के आसपास यानी कि लगभग 32,000 यानी कि 32,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग
होने वाली है, जैसे कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। इसके साथ आपको इसमें एंड्रॉयड 1 का सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं जहां तक कि मुझे जानकारी है इस प्रोजेक्ट के तहत। तो इसमें आपको एंड्रॉयड 9 पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको इसमें फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 710, एड्रिनो का 616 GPU, 6 GB की रैम और 4 GB की रैम, ये दो तरह के वेरिएंट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। स्टोरेज की बात करें तो 64 GB की इंटरनल स्टोरेज और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज वगैरह आपको इस फोन में देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ ड्यूअल कैमरा का आपको इसमें सेटअप देखने को मिल रहा है और नॉच वाला डिस्प्ले और फिंगरप्रिंट बैक साइड में आपको इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगा। और ड्यूअल सिम वगैरह का कार्ड स्लॉट यानी कि आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, USB टाइप सी, और बैटरी आपको लगभग मिल जाएगी 3500 mAh के आसपास। तो दोस्तों आज की कुछ यही थी टेक न्यूज, रूमर्स और लीक्स वगैरह। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा, और बेल आइकन याद से दबा दीजिएगा जिससे कि आप जो भी हम लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं उसका आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो यही कुछ थी दोस्तों आज की टेक न्यूज़। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।